अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सरमद, आई एम अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एंड फाइनली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो आई विल गिव यू अ ब्रीफ टूर टू माय मेड स्कूल। आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको अपनी गाड़ी से उतरना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ कार पार्किंग टू द स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम कॉलेज में एंटर होंगे। अब आपको लाहौर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, लाहौर फार्मेसी कॉलेज और रुतफा कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन के साइन बोर्ड नजर आएंगे। तीनों कॉलेजेस एलएमडीसी के साथ ही एफिलिएटेड हैं और तीनों एलएमडीसी के कैंपस में ही मौजूद हैं। अब जो चीज़ आप देख रहे हैं उसे देख के शायद आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देख के मुझे भी हुई थी। आप फ्रंट से देखें अगर इसकी बिल्डिंग तो ये सर्कुलर शेप में है, मुझे लगा था बैक साइड से भी ऐसे ही सर्कुलर शेप में होगी और छोटी सी बिल्डिंग होनी है और कैंपस भी छोटा सा होना है, बट थैंकफुली आई वाज रॉन्ग। सो दिस इज़ रुतफा कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। इनका छोटा सा कैंपस है जिसमें आई गेस न्यूट्रिशन, बायोटेक और नर्सिंग वालों की क्लासेज होती हैं। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एरियाज इन द एंटायर कॉलेज क्योंकि प्रोबेबली इट्स बेस्ट फॉर फोटोग्राफी। नाउ काइंडली इग्नोर द वायर ऑफ दैट माइक्रोफोन। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम कॉलेज के अंदर जाएं अंदर वाली गैलरी में, या फिर बाहर वॉल के साथ साथ प्रोसीड करें। तो फिलहाल हम अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेक्चर थिएटर 3 है। वेल इट्स माय लीस्ट फेवरेट लेक्चर थिएटर। अब यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो राइट साइड पे ग्राउंड फ्लोर पे ही चलते हैं या सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाएँ। हमें आगे बढ़ने और ऊपर जाने का शौक है, दैट्स व्हाई वी प्रोसीड टू स्टेयर्स। अभी यहाँ पे हमारे राइट साइड पे लेक्चर थिएटर 1 और 2 हैं। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे इट्स आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज इन द एंटायर कॉलेज। स्पोर्ट्स वीक में ये बेंचेस हटा के इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बना देते हैं इसको। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फिजियोलॉजी लैब और फिजियोलॉजी का ट्यूटोरियल रूम है और राइट साइड पे फिजियोलॉजी के प्रोफेसर्स के ऑफिसेज हैं। अब राइट साइड पे स्टेयर्स हैं जो लेक्चर थिएटर 11 की तरफ ले जाती हैं और लेफ्ट साइड पे एक कैफे है। This is how it looks from outside. अब अगर हम कैफ़े को मिस करा के आगे जाएं तो ये जो लोग हमें बुरी तरह घूर रहे हैं ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये एक्चुअली पेशेंट्स हैं, डेंटल पेशेंट्स होंगे प्रोबेबली, क्योंकि ये डेंटल डिपार्टमेंट्स ही हैं। BDS वालों को ज़्यादा पता होगा इस बारे में। अब क्योंकि मैंने ओवरऑल पहना हुआ था एंड आई हैड अ फोन विद अ ट्राईपॉड एंड माइक इन माई हैंड, शायद इस वजह से घूर रहे थे, अगर उनको मिस कराएं तो ये ऑडिटोरियम का गेट नंबर 2 था या बैक साइड का गेट आप कह सकते हैं। राइट साइड पे सारा ऑडिटोरियम है और ये उसका मेन गेट है। अब ना तो कोई लेक्चर्स हो रहे हैं ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, इसलिए दे डिडंट लेट मी एंटर द ऑडिटोरियम, बट आई हैड प्रीवियसली क्लिक्ड अ पिक्चर जिससे शायद आपको आइडिया हो जाए कि ऑडिटोरियम अंदर से कैसा दिखता है। ऑडिटोरियम को मिस करा के हम आगे जा रहे हैं एंड वी हैव लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन आवर बोथ साइड्स।
ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं आइडिया ये कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि अभी जाना ही नहीं हुआ यहाँ पे। अब हम यहाँ से जाएँ तो आई गेस ऑलमोस्ट सीन एंड हो जाता है, और कैफ़े की बाहर से लेफ्ट साइड नज़र आती है। शायद आपको याद हो हम इन स्टेयर से चढ़ के ऊपर गए थे, यहाँ से हम एंटर हुए थे और उन स्टेयर से चढ़ के ऊपर चले गए थे। अब अगर हम ऊपर ना जाएं और राइट साइड पे मूव करें, आई मीन ग्राउंड फ्लोर पे ही मूव करें, तो लेफ्ट साइड पे ये सारे अकाउंट्स ऑफिस वगैरह हैं, और आगे ये लेफ्ट साइड पे हिस्टो लैब है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अब DH है, और राइट साइड पे ये एनाटमी डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोफेसर्स के ऑफिस हैं, और आगे जाके लेफ्ट साइड पे हमारा कैफ़े है। और ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है, आई मीन दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन एक्चुअली चार्ज योर फोन, बट ऑनेस्टली कभी यूज़ होते नहीं देखा इसको। नाउ आई विल शो यू हाउ कैफ़े लुक्स फ्रॉम इनसाइड। अब कैफ़े आई मीन नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। वन थिंग टू नोट अबाउट द कैफ़े के इट्स नॉट एयर कंडीशनड। आई मीन प्रिंसिपल सर ने 2019 में हमारी ओरिएंटेशन पे ख़ास तौर पे कहा था कि दे हैव रिमूव्ड ऑल द एयर कंडीशनर्स ताकि हम लोग लेक्चर्स बंक करके यहाँ कैफ़े में ना बैठे रहें। ओके सर, दैट्स फेयर इनफ। अब वी हैव बेंचेस आउटसाइड द कैफ़े, क्योंकि जब इंडोर डाइनिंग पे बैन लगा था तो मोस्टली यही यूज होती थी। अंदर भी यही 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करवाते थे या बाहर बिठा देते थे। अब हम अंदर जाने के बजाय अगर बाहर साथ साथ इस पाथवे पे मूव करें, तो आई मीन आपको राइट साइड पे ये पार्किंग नज़र आ रही होगी, बट दिस इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर स्टाफ मेंबर्स एंड प्रोफेसर्स ओनली। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो दिस इज़ हाउ योर बॉय लुक्स व्हाइल लॉगिंग। अब अगर हम इस ब्लैक कार के स्टेज पे आके लेफ्ट साइड पे देखें तो वी हैव कॉलेज बुक शॉप। अगर आपको लग रहा हो कि कॉलेज बुक शॉप जितनी छोटी लग रही है उससे तो बड़ी ही होगी, बट एक्चुअली ये उससे भी ज़्यादा छोटी है जितनी लगती है। और कॉलेज बुक शॉप वाले अंकल की ख़ास बात यह है कि वो बोलते बहुत हैं, और किसी ने अगर 300 वाली स्टो पेंसिल्स 500 की लेनी हो तो यू मे कॉन्टेक्ट हिम। वेल, इस स्टेज पे आके लेफ्ट साइड पे डेंटल गेट है। आई डोंट नो ये गार्ड मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। वेल, दिस इज़ हाउ दैट डेंटल हॉस्पिटल लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड। अब अगर गार्ड और डेंटल हॉस्पिटल गेट को मिस करा के आगे जाएं तो अब अगर हम बैक साइड से देखें तो दिस इज़ हाउ द बिल्डिंग ऑफ MBBS एंड BDS डिपार्टमेंट्स लुक। अगर हम वापस पीछे आके लेफ्ट साइड पे इस गैलरी में एंटर हों तो सबसे पहले लाइब्रेरी, फिर IT लैब और IT डिपार्टमेंट वगैरह आएगा। सो सबसे पहले लाइब्रेरी आएगी, सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। That's all for the library. Now let's proceed to IT lab. पूरा कॉलेज ओपन है लेकिन नंबर वन डिपार्टमेंट की लैब बंद है। Now let's have a look at the ground of LMDC. It's actually huge. Although it's a multi-purpose ground, like अगर football हो रही हो तो यहाँ पे cricket नहीं हो सकती एक time में. I mean it's not that big, but for a private medical college it's enough. क्योंकि कुछ private medical colleges में grounds नहीं होते. Now that's hostel. Now these are hostels. और college के ground के पीछे ही hostel है, और ये boys hostels हैं, और उसके साथ ये LMDC mosque है. अब अगर हम जहाँ ठहरे थे उसे राइट साइड की तरफ मूव करें तो दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ LCPT एंड LPC। Wait a minute.
I mean, LCPT means Lahore College of Physiotherapy and LPC means Lahore Pharmacy College. That's how the building looks like. इसके बाद हम ग्राउंड के साथ साथ राइट साइड पे इस पाथवे पे मूव करेंगे। 90% लैम्सन्स की खास बात यह है कि उनकी ग्राउंड में या MBBS की बिल्डिंग के सामने जो 3-4 बेंचेस पड़े हैं उन पे या रुतफाओ के सामने जो फूल हैं उनके सामने एक ना एक फोटोग्राफ जरूर होगी। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो सामने जाएं या लेफ्ट साइड पे। सामने जाएंगे तो बॉयज हॉस्टल होगा, और अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो दिस इज द पाथ दैट लीड्स अस टू द गर्ल्स हॉस्टल। ये छोटा सा गेट नजर आ रहा है, इट ओपन्स इनटू गर्ल्स हॉस्टल। यू गाइस प्रोबेबली वोंट बिलीव इट बट ये वीडियो मैंने अपने प्रोव के प्रैक्टिकल से दौरान बनाई थी। लाइक कोई वाइवा या प्रैक्टिकल होता था तो जब खत्म हो जाता था, मैं फ्री हो जाता था तो मैं मोबाइल लेके कॉलेज में घूम रहा होता था और वीडियोस बना रहा होता था। अब बनाना मैं इसे व्लॉग की तरह चाहता था बट फॉर सम रीज़न, क्योंकि जब सारे प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए थे तो लॉकडाउन लग गया था, छुट्टियां हो गई थी और घर आना पड़ा था, और मैं घर में ही हूँ और इसकी एडिटिंग में बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली गिव अ बिग थम्स अप, और अगर अच्छी नहीं भी लगी आप द पार्ट और द सेक्शन जो आपको अच्छा नहीं लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। और दूसरी बात, इफ़ यू लाइक द स्टफ रिलेटेड टू LMDC MBBS या जनरली मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपको, इफ़ यू लाइक द स्टफ रिलेटेड टू देम तो यू कैन हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, थैंक यू सो मच।